हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि के शराब देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं KFC बिग बैश लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में मेलबर्न के मावल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 18 जनवरी को दोपहर के 1:45 पर। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है Sony 6 के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो और चाहते हो कि आपको बिग बैश के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिले, उसके अलावा की सारी जानकारी मिल जाए, जैसे कौन सा प्लेयर कोविड पॉजिटिव है, कौन सा प्लेयर कोविड नेगेटिव हो चुका है, कौन सा मुकाबला प्रीपोन है, कौन सा मुकाबला पोस्टपोन है, ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इस मैदान पे इस साल बल्लेबाजी करना काफी आसान रहा है। बॉल काफी अच्छे से बैट के ऊपर आता है, उसके अलावा एक तरफ की बाउंड्री भी काफी छोटी है इस मैदान पे, तो उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर भी बैटिंग करना आसान होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं होबार्ट हरिकेन्स के बारे में, जो कि अपने 12 में से 6 मुकाबले जीत चुका है और टीम ने पिछले मुकाबले के अंदर सेंट हंडर जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था। अगर टीम बचे हुए 2 में से कोई एक मुकाबला जीत लेगा तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि ये टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। बल्लेबाजी के अंदर बेन मैकडरमॉट ने इस टीम के लिए 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी मारी है, 500 से ऊपर रन मार चुके हैं। मैकडरमॉट का फॉर्म बहुत शानदार रहा है इस टीम के लिए। मैथ्यू वेड ने भी पिछले मुकाबले के अंदर एक बहुत ही कमाल की हाफ सेंचुरी मारी थी, वो 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। इस मुकाबले के अंदर भी मैथ्यू वेड पे निगाह रहने वाली है। कैलेब जूल ने भी पिछले मुकाबले के अंदर एक हाफ सेंचुरी मारी, एक बहुत ही अच्छे अग्रेसिव बल्लेबाजी कंटिन्यू करना चाहेंगे। डार्सी शॉट भले बल्लेबाजी के अंदर कुछ खास ना कर पा रहे हों, पर वो गेंदबाजी के अंदर विकेट निकालते हैं और वो बल्लेबाज भी काफी अच्छे हैं। तो इस तरीके से वापस से इन टॉप 4 बल्लेबाजों के ऊपर वापस सबकी निगाह होने वाली है। उसके अलावा टिम डेविड के ऊपर फिनिशर का रोल होने वाला है। टिम डेविड एक बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज हैं और वो नंबर 6 पे काफी कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। टॉम रॉजर्स 15 विकेट निकाल चुके हैं, राइली मेरेडिथ 13 विकेट निकाल चुके हैं, संदीप लामिछा ने 12 विकेट निकाल चुके हैं। इन तीनों के अलावा जॉर्डन थॉम्पसन ने भी कुछ काफी अच्छे स्पेल डाले हैं। भले नेथन एलिस ना खेल रहे हो, लेकिन उनके अलावा भी ये टीम मुझे काफी डिसेंट लगती है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं होबार्ट हरिकेन्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं बेन मैकडरमॉट, कैलेब जूल, नंबर 3 पे आपके आते हैं मैथ्यू वेड, नंबर 4 के ऊपर डार्सी शॉट, नंबर 5 पे पीटर हैंडस्कॉम, नंबर 6 पे टिम डेविड, नंबर 7 के ऊपर जॉर्डन थॉम्पसन, फिर टॉम रॉजर्स, राइली मेरेडिथ, विल मिचेल ओवन और संदीप लामिछाने। तो जरूर से एक बड़ा मुकाबला है होबार्ट के लिए और टीम इस मुकाबले के अंदर जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं मेलबर्न रेनेगेड्स के बारे में। तो मेलबर्न की टीम अपने 12 में से केवल 3 मुकाबले जीत पाई है और ये टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इस टीम की दिक्कत थी इस टीम की बल्लेबाजी, जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर सॉल्व नहीं हो पाई। स्टार्टिंग के मुकाबले एरन फिंच और निक मेडिसन नहीं खेल पाए, शॉन मार्श ने भी काफी लेट ज्वाइन किया, लेकिन जब ये तीनों साथ भी खेले तब भी ये कुछ खास कर नहीं पाए। बाकी बल्लेबाजी में काफी युवा चेहरे थे, मैकेंजी हार्वी, सैम हार्पर, जेक मगोक, लेकिन इन एक्सपीरियंस साफ साफ दिखा इस टीम की बल्लेबाजी में। ये टीम केवल 1 बार 155 रन मार पाई, उसके अलावा इस टीम का एवरेज स्कोर केवल 125 रनों का रहा। इससे पता लगता है कि बल्लेबाजी कितनी कमजोर है इस टीम की। और इस मुकाबले के अंदर तो मैकेंजी हार्वी और जेक फ्रेजर मगोक भी नहीं खेल पाएंगे। गेंदबाजी फिर भी काफी डिसेंट रही, केन रिचर्डसन ने 19 विकेट निकाले इस टीम के लिए और केविन बॉयस ने भी पिछले दोनों मुकाबलों के अंदर काफी डिसेंट प्रदर्शन किया है। तो मेलबर्न की टीम बाहर हो चुकी है और बस रेस्पेक्ट के लिए खेलेगी। इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम काफी सारे बदलाव कर सकती है। आप कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी होबार्ट, वो टीम होगी मेलबर्न, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, इस मुकाबले के अंदर पलटा भारी रहेगा होबार्ट हरिकेन्स का। हरिकेन्स के पास एक काफी सॉलिड टीम है, जो मेलबर्न की टीम है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। उम्मीद करता हूं वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी चैनल को इस तरह वीडियोस देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।